दहशतगर्द हाय हाय आतंकवाद हाय हाय आतंकवाद हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय दहशतगर्द हाय हाय दहशतगर्द हाय हाय दहशतगर्द हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय आतंकवाद 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 हाय हाय पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने आज यहां पर हमने पाकिस्तान का झंडा फूंका है, दहशतगर्दों आतंकवाद का झंडा फूंका है। जो जम्मू के अंदर आज आतंकवादी घटना सामने आई है, दो आतंकवादियों ने यहां पर दहशत फैलाने का प्रयास किया, जम्मू के भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, उस पर सुरक्षा कर्मियों ने उस पर काबू पा लिया है, दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही जो आप मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ, देखिए जब से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की सरकार वहां पर कब्जा में काबिज हुई है, दहशतगर्दों की जो सरकार वहां पर काबिज हुई है, जो पाकिस्तान की सत्ता उन लोगों के हाथों में आई है, उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। पहले अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले किए जाते हैं, उसके बाद जम्मू के मंदिरों के ऊपर हमले किए जाते हैं, शरारती तत्व यहाँ पर आकर जम्मू कश्मीर के शांतिप्रिय माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और आज प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक दो दिन पहले जम्मू के अंदर आतंकवादी माहौल, आतंकवादी घटना का प्रयास किया जाता है, जम्मू में दहशत का माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। जो सुरक्षा कर्मियों पर आज हमला किया गया, उसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। और हमारी केंद्र सरकार से, हमारे जो यहाँ पर गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनसे अपील करते हैं कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पुलिस बलों को और सतर्क किया जाए, कश्मीर के अंदर इन दहशतगर्दों पर शिकंजा और ज़ोर से अंदर कसा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भाईचारे के माहौल को ख़राब नहीं किया जाना चाहिए। 32 महीने का लंबा अंतराल हो चुका है जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए, आज भी जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर दावा करते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द अमन बहाली होगी, हम उनसे पूछना चाहते हैं ये अमन बहाली कब होगी? कश्मीर के बाद अब इनके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि जम्मू में भी दहशतगर्दी का माहौल कर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिवसेना इनको खुले तौर पर चेतावनी देती है कि जम्मू कश्मीर के शांतिप्रिय माहौल को ख़राब करने का प्रयास करोगे तो आपको जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाएगा।